बलगी विधानसभा का एक ऐसा गांव जिसकी आबादी 800 के करीब है, तो वहीं करीब 150 मकान बने हुए हैं, जिसमें सिर्फ एक ही ट्रांसफार्मर लगा है, जिससे पूरा गांव तथा आटा चक्की एवं आसपास के किसान खेतों की सिंचाई भी उसी से करते हैं। जहां ग्रामीणों का कहना है कि पूर्व विधायक प्रतिभा सिंह ने हरिजन वार्ड के लिए एक ट्रांसफार्मर दिया था, जिसमें विद्युत कर्मचारियों के द्वारा उसे गायब कर दिया गया। वैसे तो गांव में 8 से 10 खंभे खड़े हैं, ना तो उसमें तार है ना केबल है, जिससे ग्रामीण खासे परेशान हैं। वहीं दूसरी तरफ पूरे गांव में बिजली के तारों का मकर जाल लटक रहा है। हाल में ही विद्युत की चिंगारी से झोपड़ी में आग लगने से एक गाय की मौत हो गई तथा दूसरी गंभीर है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि जब वह शिकायत करने बेलखेड़ा सब स्टेशन जाते हैं तो वहां साहब नहीं मिलते। वहीं कई नेताओं को फोन लगाया, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। गांव की आशा कार्यकर्ता ने बताया कि हमारे घर के पीछे ट्रांसफार्मर लगा है, जहां से पूरे गांव के सैकड़ों तार घर के ऊपर से गुजरते हैं। यहाँ यही समस्या है, जो पूर्व विधायक के द्वारा एक ट्रांसफार्मर दिया गया था हरजन बाट को, उसमें जो खम्भे भर गड़ा दिए गए हैं, आज तक कोई लीड नहीं चढ़ी। कितने खम्भे गड़े हैं? करीबन 7-8 पोल है। ऐसे ही ट्रांसफार्मर कहाँ गया? वहाँ ट्रांसफार्मर थोड़ा ही दिन चला, उससे सिंचाई के लिए लीड खिंच गई थी, सो इसलिए भर गया। आज तकरीबन 9-10 महीने हो रहे हैं, वह ट्रांसफार्मर भी नहीं बदला गया। आपका नाम? हमारा नाम भीषण गाड़िया। सर कुछ नहीं है, बिल्कुल गांव की लाइट बिल्कुल जला ही नहीं, और जला दो तो चीज सब पूरे सोहा जो गई सो आवा ही नहीं। बिजली वालों को बता देना आप? अरे बताते हैं, मैंने सुनता ही नहीं है। कौन सा गांव है ये? उमर क्या? ये 10 साल होगा सर हमारे घर पे लीड डाले। अच्छा अच्छा, घर भी नहीं बनो तो कच्चे मकान रहो, जब भी लीड घर आई पे सर आई, जब बन रहा होता तो हम लोग गए थे तो बेलखेड़ा गए रहे, उनसे बोली उन नया वाला करवाई, लेकिन लीड वहीं से है। तो घर के ऊपर से लीड गई है आपके? गई है सर, और वो खम्मा से इससे बोली कि इससे करवा तो नहीं करवा रहा। तो आग माग भी लगती है क्या? लगती है, हमारे घर पर आग लग जाती है। हम लोग को यानी कि लड़का बच्चों को चढ़ने नहीं देते, हम पूरे छत बंद करवाए हैं। क्या नाम है आपका? राघव अनासा, कार्यकर्ता हूँ। क्या समस्या है बताएं? हम लोग की ये समस्या है कि हमारे गांव में जो ट्रांसफार्मर रखा है, ग्राम उमरिया में जो ट्रांसफार्मर रखा है, तो वो क्या है सही नहीं चल रहा है। उस 24 घंटे लाइट वाला है, उसमें 100 का ट्रांसफार्मर रखा है, उसमें क्या है पूरे गांव की लीड बस्ट है, जिसकी शिकायत हम लोग कई बार कर चुके हैं। एक तो यहाँ आते हैं तो ऑफिस बंद रहता है, कोई सुनने वाला नहीं है। आज वर्तमान में आवेदन के माध्यम से हम लोग शिकायत करने आए हैं, तो यहाँ आए तो अधिकारी से पहले बात हुई तो उनने किसी को भेज दिया कि भाई वहाँ जाके आप आवेदन दे दो। फिर यहाँ आके फिर डी साहब को फ़ोन लगाया, उनका मोबाइल बंद, और ई साहब को सूचित किया तो उनका मोबाइल बंद। और इसके पहले हमारे गांव में जो हरिजन मोहल्ले में ट्रांसफार्मर सेंक्शन हुआ था, वो पूर्व विधायक जी के कार्यकाल में हुआ था, लेकिन वो कोई और अन्य लोगों के कहने पर संबंधित अधिकारियों की सहमति से वो अन्य जगह पर रख दिया। उसका वर्तमान में आज तक पता भी नहीं है कि वो ट्रांसफार्मर है क्या। अगर वो ट्रांसफार्मर हमारे गांव में रख जाता तो ये बिजली की किल्लत कभी नहीं आती। आज परिस्थिति को देखते हुए कोरोना काल चल रहा है, सभी लोग परेशान हैं, सभी लोग घर में हैं, लेकिन यहाँ ऑफिस में कोई नहीं है। बिजली की भारी किल्लत पड़ी, हम लोग बहुत परेशान हैं। उसमें देखा जा रहा है कि ये किसान लोग हैं वो भी लगाए हुए हैं। हाँ, किसान लोग फंसाए हैं, लेकिन किसान लोगों को हम लोग क्यों मना करें भाई? हम लोग अगर मना करते तो विवाद की स्थिति पैदा होती है। ये जवाबदारी तो MPP वालों की है ना कि गाँव की लाइट सेपरेट रखा जाए। गांव में 3-फेज कनेक्शन है, गांव की 24 घंटे की लाइट है, उसको सेपरेट रखा जाए। जैसा कि आपने बताया है, अभी चर्चाओं में बताया है कि गांव में लीड लटक रही है ऊपर। हाँ, गांव में लीड लटक रही है, वो टूटे पड़े हैं, वो 1 साल से लीड बस्ट है। बेचारे गांव के लोग अपनी अपनी व्यवस्था करके लाइट यहाँ वहाँ से जला रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला है नहीं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि यहाँ आते हैं तो कोई है ही नहीं ऑफिस में सुनने वाला। सारा पड़ा रहता है।
अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।